वंदे मातरम। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप पार्टी के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं पार्टी से अन्ना के आंदोलन से जुड़ा हूँ। अन्ना के आंदोलन से जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था अन्ना का, तभी से मैं जुड़ा हूँ। अभी 3-4 साल हो गए तभी से मैं जुड़ा हूँ अन्ना के आंदोलन में। आजाद नगर मैंने अनशन किया था 3 दिन, लेकिन थोड़ा मेरा तबीयत खराब हुआ था तो मैं छोड़ दिया। तो मैं काम कर रहा था तभी से जुड़ा हुआ। तो अभी ये अनशन आपने कब से शुरू किया है? ये 16 जनवरी मैंने 2014 से स्टार्ट किया अनशन। इस अनशन का मकसद क्या है? यहाँ के जो लोग हैं, जो नवनाथ नगर और आजाद नगर झोपड़पट्टी वाले हैं, वो उन लोग के लिए शौचालय नहीं है। और इधर के जो गटार है पूरा भरे हुए है, कचरे का पेटी नहीं था पहले, अभी मिल गया। तो अभी सब हमारी जो मांगनी है वो पूरा हुआ है, लेकिन कोई आधा ही, मतलब सपना जैसा पूरा होता वैसा ही हुआ है। जैसा एक ही शौचालय हम लोग को दे रहे, लेडीज को लिए अलग से शौचालय नहीं दे रहे, जेंट्स के लिए अलग से शौचालय नहीं दे रहे उनका। बस अभी सोमवार से उनका एक शौचालय आ रहा है। लेडीज लोग जैसे उनको टॉयलेट नहीं है तो वो लोग नीचे सोते। तो मेरे भी माँ बहन है तो मुझे देखने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं सोचा कि उनको लाना चाहिए, इसलिए मैं अनशन का बेटा हूँ। तो आप जो के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे जो कार्यकर्ता, मतलब मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ आम आदमी का, और मैं बस उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो बस ये जो गरीब लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, उनको सुविधा दें, और उनकी जो छोटी मोटी सुविधा है जैसे शौचालय और जो बिजली है पानी है वो उनको अच्छे से मिले और रोज़ मिले, हर स्वतंत्र मिले। जैसा पानी है, पानी यहाँ पे 20-20 लोगों का एक है, एक नल है। लाइट भी किसी किसी को औद्योगिक करके दिया है, किसी किसी को घरगुती है, इनका लाइट ज़्यादा आता है, बिजली ज़्यादा आता है, बहुत महंगा है इनका। तो ये सब आप पहले कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कम करेंगे तो अच्छा है। उसके लिए गरीब लोगों के लिए ज़्यादा काम करो, क्योंकि जो बड़े लोग रहते हैं वो घर में बैठते हैं, बस गरीब लोगों के पास देखते नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन उनको भी नीचे उतरना पड़ेगा, सब लोग एक साथ है और एक साथ रहना चाहिए। और यहाँ पे कोई गरीब नहीं है, कोई श्रीमंत नहीं है, सब एक आम आदमी है। ये जो मजहबी मामला है उसको सीधा करो, सब ठीक होता है अल्लाह की फजल से। सबसे पहले रिश्वतखोरी जब तक बंद नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला क्या। और दूसरा मजहबी मामला के अंदर सबको अपना ये करो, सब ठीक होता। आपको लगता है कि आज के तारीख में हमारे देश में कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई राजनीति पार्टी या कोई नेता है जो भ्रष्ट नहीं है? आम आदमी पार्टी, आम पार्टी यही जो है बस खिला दे। शुक्रिया आपका, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट आम आदमी पार्टी, सबसे बेस्ट। अच्छा, ये नेता लोग की दलाली जो चालू है आजकल, इन्हें सबको चोरों को बंद कर देना चाहिए, निकाल के सीधे बाहर। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल जो जनता के साथ में मिलते हैं, जो 50,000 लोग आ जाते हैं उनके दरवाजे पे, लेकिन फिर वो हर किसी से मिल नहीं सकते, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो नहीं मिल सकते क्योंकि उनके ऊपर दबाव कसा जाता है, इसके चलते छोटी छोटी चीजों में, जैसे खाने का है, लोकल का, जैसे मान लो कोई दूसरी पार्टी का राज, इसके चलते सभी को एक होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। आप सपोर्ट करोगे क्या? हम करते हैं दिल से। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, रिंकू वाजपेयी मेरा नाम। ठीक, धन्यवाद जी। पहले से हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मगर आज की डेट में कांग्रेस ने सर में से सर नीचे कर दिया, इसलिए हम आम आदमी पार्टी के साथ साथ हैं। भारती जी, पहले तो आप अपने बारे में 2 शब्द बताइए। मेरा नाम उमेश भारती है, मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC से तैयार हुआ हूँ। और अब पिछले अन्ना आंदोलन को देखते हुए मुझे लगा कि देश में आज़ादी के बाद फिर एक दूसरा अवसर आया है, जब हर व्यक्ति को इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और देश की भलाई के लिए जुड़ जाना चाहिए। तो मैं भी 1 साल से इस पार्टी में जुड़ गया। आप यानी कि बेलापुर ऑफिस देख रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे कार्यकर्ता और आम जनता आ रही है, तो उनका जोश देख के आपको क्या लग रहा है? सब ऐसा है कि बेलापुर ऑफिस में मैं सिर्फ 2 घंटे बैठता हूँ, लेकिन वो फोन मेरे पास डाइवर्ट हो जाता है 24 घंटे के लिए। तो आज जिस ढंग से मेरे पास कॉल आ रही है, सिर्फ मुंबई से नहीं, देश के मतलब महाराष्ट्र के दूसरे भागों से, कल्याण से, नांदेड़ से, बीड़ से, तो ऐसा लगता है पूरा देश उमड़ पड़ रहा है। और जो
भावना आजादी के समय थी, आज पूरे देश में वही भावना है कि उनको पहली बार लग रहा है कि एक ऐसी पार्टी आई है जो देश के लिए भला करने वाली है। तो सर आप जैसे ही यानी कि आप बीआरसी से हैं, तो आप न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो एक छोटा जन साधारण है उसके अंदर एक एक्सप्लोशन हुआ है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह इस कंट्री में से करप्शन को दूर कर पाएगा? जी हाँ, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम लिया। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है जो विघटन करता है, ये विघटनकारी नहीं है, ये फ्यूजन करने वाला, जोड़ने वाला, देश को जोड़ेगा। और निश्चित रूप से ये जो वेव चली है, सुनामी है, सारी पार्टियों को इस समय बिल्कुल साफ कर देगी और फिर स्वच्छ राजनीति की शुरुआत। अरे तो त्रास देता, हवलदार त्रास देता, त्यात ते काही शासनाचे लोक आहेत आणि त्यांच्याकडे काही नियम आहेत, काय काही गोष्टी अशा असतात की जे काही भ्रष्टाचार चालतो तो संपूर्णपणे बंदच व्हायला पाहिजे। काय तर हे बंद करायलाच अरविंद केजरीवालने ती पार्टी सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की भ्रष्टाचार संपूर्ण आपल्याला संपवायला हे जनतेलाच पुढे यायला, हो जनतेलाच पुढे येऊन जनतेनेच तो पुढाकार घ्यायला पाहिजे। आम आदमी पार्टीला सहकार्य करणं हे जनतेचीच गरज आहे। आता आमच्या देशामध्ये जे नेता आहे त्यांचं बँक बॅलन्स असा वाढतात की काय तो मंगाईचा पण पुढे जातात त्यांचं बँक बॅलन्स, ते नेतेगिरी सुरुवात करतात आणि त्यांचं बँक बॅलन्स रातोरात ते अर्बोपती खरबोपती असे काय काय आहे, याच्यामध्ये काय चमत्कार काय आहे, राजनितीचा हा काय चमत्कार आहे, कोणी पण येतो ते भिकारी पण येतो आणि अर्बोपती होऊन जातो। मग काय ह्या नेत्याचे जे आपल्या देशामधले जे नेतेगिरी, ही पहिली गोष्ट म्हणजे बंद व्हायला पाहिजे। सर्वसामान्य माणसाला किंवा एखादा हुशार असा असेल की त्याला चान्स दिला पाहिजे, नवीन नवीन जसे हे तसे तसे त्यांना चान्स देऊन त्यांना त्याचे ते देशाची सेवा करण्याची हे दिले पाहिजे। पण हे लोक ते नेते आपले सगळे पक्ष आणि पार्टी ते चुनावच्या दरम्यान ते लोकांना पैसे वाटतात, दारू देतात, ते देतात, ते देतात आणि हे देतात, तर त्याच्याबद्दल आपल्याला काय म्हणायचं? हे संपूर्ण बंद व्हायला पाहिजे। पब्लिकला तुम्ही पैसे देऊन मतं घेऊ नका, पब्लिकच्या सोखुशीने मत कोणाला द्यायचं, कोणाला निवडून द्यायचं आहे हे त्यांनी ठरवायचं आहे, त्यांच्यावरती तुम्ही दबाव टाकू नका। पब्लिकवरती लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये आपल्याला प्रत्येकाला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आणि त्यांनी त्या पद्धतीने कोणाला काय करायचं ते जनतेचंच जनतेने करून ठेवा हे करायचं, लोकांनी त्याच्यावर हे नाही टाकायचं, रोटेशन नाही टाकायचं। तुम्ही राहता कुठे? मी इथं वडगरला। तुमच्या तिकडे पण नेते असेल, विधायक असेल, सगळीकडे नेते तुमच्याकडे वोट मागायला येत आहे, तुम्हाला वोट टाकल्यानंतर कधी भेटतात का ते लोक? परत कोण भेटतो? त्यांचं काम झालं ते त्यांच्या कामाला लागले, आपण आपल्या कामाला लागायचं, कधीतरी काही काम असेल तर आपण गेलो ते ठिकाणीला नसतात, वेळेवर कामं होत नाहीत। शासनाचे लोक कुठेही कामं करायला गेले तर ते वेळेवर कामं होणार नाहीत, ते तातडीने कामं व्हायला पाहिजे। लोकांचे जाग्यावर ऍक्शन 6 ते 7 दिवसामध्ये जो माणूस तिथे गेला की त्याचं 7 दिवसामध्ये काम व्हायला पाहिजे, की त्या लोकांना काही कामधंद्यासाठी तो माणूस गेलेला असतो, त्याचा उद्योगधंदा सोडून तिथे गेलेला असतो, त्याची काही अनेक अडचणी असतात, तो त्याच्यासाठी गेलेला असतो, त्याची त्याला प्रत्येक वेळेस फेऱ्या मारून मारून तो कंटाळून जातो, त्याचा खर्च होतो, काय हे बंद व्हायला पाहिजे। आणि आपल्या देशामध्ये जे सगळे जे म्युन्सिपाल्टीची जे शाळा आहे त्याचे तिचे हालत काय आहे ते तुम्हाला माहितीच असेल, तर त्याच्याबद्दल काय तुमचं म्हणणं आहे? हे प्रायव्हेट शाळा जे सगळे नेतांची आहे ते सगळे लूटपाटचा धंदा चालू आहे तिकडे आणि आपले देशाची जी जनता आहे त्यांचं भविष्य म्हणजे एज्युकेशनच भविष्य आहे। जे आपल्या देशामध्ये जे लहान पोरे आहेत त्यांना एज्युकेशनच बरोबर मिळणार नाही तर भविष्य काय होणार देशात? अशा हे पद्धती सगळी चाललेली आहे, हे सगळे नेत्यांची हे ठोकशाही चाललेली आहे, याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? आपली देशाची जनता कुठे जाईल मग? हे काय माहितीये का, हे जे चाललेलं आहे, पहिली गोष्ट हा शिक्षण हा कुणीही शाळा काढू शकतो हे लोकांसाठी आहे, परंतु ते काढत असताना लोकांच्या हितासाठी तुम्ही करताय, हे 1 लाख 5 लाख 10 लाख डोनेशन जे तुम्ही घेतात हे तुम्ही बंद करा, की सर्वसामान्य माणसाला पण तुमच्या शाळेमध्ये शिकता आलं पाहिजे।
त्यालाही काहीतरी करायची इच्छा असते. काय आता गव्हर्नमेंटच्या शाळा आहेत, नगरपालिकेच्या ग्राम जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत, त्याच्यामध्ये शिक्षक येत नाही, शिक्षक बरोबर शिक्षा मिळत नाही, फॅसिलिटी नाही, काय नाही नाही. किंवा मुलांना आता काही वेळ शाळा 10 किलोमीटर लांब असतात, मुलांना वेळेवर त्या शाळेत जाता येत नाही किंवा त्यांची व्यवस्था नाही. तर आपल्या देशाच्या भविष्याचं काय होईल? मग काय होणार? लहान पिढी जी आहे त्यांचं काय भविष्य आहे? काय होणार आहे? काहीच होऊ शकत नाही ना पुढे. त्यांची काहीच त्यांना माहिती कळणार देश हा कसला आहे आणि आपण कुठे राहतो, आपल्या देशात आणि कुठे राहतो त्यांना काय कळणार आहे? शिक्षणच नाही म्हणले विशेष काय. मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी में पारदर्शिता दिखती है. ये जनता के लिए एक अच्छी सरकार है क्योंकि यहाँ पे जनता को अलग से बोलने का मौका दिया जाता है, उनके व्यूज रखे जाते हैं. आज तक इतनी क्लीन और साफ गवर्नमेंट मैंने कहीं नहीं देखी, इसलिए मैं अपनी तरफ से अपने लोगों को बोलूंगी कि हाँ आम आदमी ज्वाइन करें प्लीज. मैम आपने कब से मेंबरशिप ली है आम आदमी पार्टी की? अभी लगभग 10 दिन हुआ मुझे आम आदमी ज्वाइन किए. अभी आपके मन में कितना जोश है? मैं पूरे जोश से आम आदमी पार्टी के साथ में हूँ. आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जो हम एक रिवोल्यूशन लाने की सोच रहे हैं वो वाकई में हकीकत बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी, क्योंकि हम जनता की तरफ से और जनता जो चाहती है उनके लिए काम करना चाहते हैं और उन्हीं की सरकार है. जब जनता जैसा चाहेगी वो होगा तो वाकई में देश में परिवर्तन होगा. आप जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जो लोग मन से साफ हैं, जिनके विचार साफ हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वही लोग इस पार्टी को ज्वाइन करें. यहाँ पे भ्रष्ट लोगों का, बेकार लोगों का और जो लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज उन लोगों के लिए ये पार्टी बंद है. तो प्लीज वही लोग यहाँ पे आए. मैम जब दूसरी पार्टियों में से लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? अगर उनके विचार नेक हैं तो वेलकम है हमारी पार्टी में, और अगर वो किसी उससे आ रहे हैं कि हाँ मुझे एक बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा, मुझे नाम होगा, तो प्लीज यहाँ पे काम करने वालों की जरूरत है, पोस्ट लेने वालों की कोई जरूरत नहीं है. धन्यवाद मैम. ओके थैंक यू. आप आम आदमी पार्टी से वाकिफ है क्या? वाकिफ तो है, अभी टीवी न्यूज पर हम लोग अक्सर देखा करते हैं. अच्छी तो है, अब देखिए आगे क्या कामयाबी करेंगे. आपको आज के जो हालात है हमारे देश में, राजनीति के जो हालत है, जो नेताओं लोगों का टोटल दलाली जो चालू है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बंद करो इसके बारे में, कोशिश तो करना जरूरी है. अभी कामयाब कहाँ तक होता है अभी पता नहीं. आपको कोई कांग्रेस या बीजेपी में आपको कोई फर्क लगता है क्या? ये दोनों में तो कोई फर्क नहीं दिखता. अभी नया पार्टी देखो क्या गुल खिलाएगी. नहीं तो ये कांग्रेस और बीजेपी से आपको कोई उम्मीद है क्या? नहीं, इनसे तो कोई उम्मीद है. नया पार्टी आएगा कुछ उम्मीद होता है. आप इसको चांस देना चाहेंगे क्या? बेशक जरूर. अरविंद केजरीवाल को आपने देखा है क्या टीवी पे? टीवी पे देखा. आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आर्मी ठीक है? इस वक्त तो हाल फिलहाल तो ठीक है. ठीक है, काम करना चाहते हैं. चांस देना चाहिए. आप बुलाए और ये जो गंदगी के विरुद्ध उन्होंने जो उपोषण किया है तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये मुद्दा कितना महत्व का है? जयसिंह खेरे ने जो किया है वो हर मोहल्ला हर गली में होना चाहिए, क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, कॉरपोरेटर्स है, एमएलएज है, एमपीज है, वो एक बार सत्ता में जाने के बाद फिर कभी वापस आके देखते नहीं है 5 साल के तक. तो ये जो हो रहा है गरीबों का इस मुद्दा, टॉयलेट, रोड, कोई भी हो, कि शिकायत किसी से करने से होता नहीं है काम. सुब्रम जी का लियो ना सर्वसामान्यांचा पक्ष, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारा पक्ष. इस बारे में आप क्या संकल्प है इसके, इस बारे में आप थोड़ी और जानकारी? पावर हमारे हाथ में है लेकिन हम 5 साल में एक बार इस्तेमाल करते हैं. वो पावर हम हर रोज इस्तेमाल करेंगे तो जो करप्शन है, जो इंडिफरेंस है गवर्नमेंट का, वो सब निकल जाएगा. तो पावर आखिर में आम आदमी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में पावर है लेकिन हम जानते नहीं कैसे यूज करें उसको. थैंक यू, शुक्रिया.